गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम सातवीं क्लास के विज्ञान विषय का तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है रेशों से वस्त्र तक। टॉपिक क्या है? रेशों से वस्त्र तक वस्त्र किस प्रकार से डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित वीडियो लेक्चर आपका फर्स्ट है। इसमें आप देखोगे वस्त्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाने के लिए किस प्रकार से रेशे काम लिए जाते हैं, रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, उन अलग अलग रेशों की क्या गुणवत्ता होती है, तो काफ़ी सी इसमें आप देखोगे। बेसिकली आप जानते हैं आधारभूत आवश्यकता में मनुष्य को कपड़े की भी आवश्यकता होती है। देखते हैं ना कि जैसे आपको आधारभूत आवश्यकता के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे खाना, आवास और चिकित्सा, और उसके साथ में शिक्षा, तो ये नेसेसरी। वैसे वैसे चौथी आवश्यकता बताई जा रही है, वो है आपके कपड़े की आवश्यकता। भोजन, आवास, चिकित्सा तथा शिक्षा, और उसके अतिरिक्त जस्ट नंबर लगता है वो आपको लगता है कपड़े। कपड़ा तन ढकने के लिए क्या बताया जा रहा है, नेसेसरी बताया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य समाज में कपड़े की क्या विशेष विशेषता होती है, और सारे खेल कपड़ों पर आधारित होते हैं। क्रियाकलाप, अलग अलग प्रकार के नाटक प्रोग्राम, अलग अलग प्रकार के अलग अलग परिवेश और अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार कपड़ों को प्रायोरिटी दी जाना नेसेसरी बताया गया है। अब कपड़े बनाए कैसे जाते हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप देखते हैं कपड़ा बनाने का इतिहास बहुत लंबा है। आप जानते हैं कि कपड़ा बनाने के लिए कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से कपड़ों को जनरेट किया जा सकता है। बेसिकली अपन देखते हैं रेशे दो प्रकार से जनरेट होते हैं, एक तो होते प्राकृतिक और एक होते कृत्रिम। कि एक तो मनुष्य द्वारा रेशे संश्लेषित किए जाते हैं और एक प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। तो अपन बेसिकली बात करते हैं रेशों से ही अपने क्या बनाते हैं, कपड़ों की आधारभूत इकाई क्या बताई जा रही है, रेशा। कपड़ों की आधारभूत इकाई क्या है, वस्त्र या कपड़े, वस्त्रों की आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई रेशा है। जैसे आपको बात बताई जा रही है इस कमरे की आधारभूत इकाई की बात करें, तो आधारभूत इकाई इस कमरे की क्या रहेगी, छोटी सी ईंट। ईंट एक एक ईंटों को आपने बहुत सारी एक एक ईंटों को आप करके पूरे पूरे भवन का निर्माण किया है। तो वैसे वैसे देखते हैं तो कपड़ा बनाने के लिए कई प्रकार के रेशे, रेशों को बार बार प्रयोग करके फिर बाद में आपने क्या बनाया, कपड़ा जनरेट किया है। जैसे अपने शरीर के आधारभूत इकाई क्या है, कोशिका। सजीवों के शरीर के आधारभूत इकाई क्या है, तो कोशिका। तो वैसे वैसे देखते हैं रेशों की आधारभूत इकाई क्या है, कोशिका। रेशों से आप परिचित हैं, रेशे क्या होता है, धागा, मुलायम, नॉर्मली रेशा या धागा भी हम कह सकते हैं, रेशा या धागा। या सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, डोरा, फाइबर्स, इंग्लिश में कहते हैं क्या, फाइबर। तो ये साथ साथ क्या वर्ड रेशों के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब रेशे कपड़ा बनाने के लिए बताया गया है कि वस्त्र की आधारभूत इकाई रेशा है। अब रेशे को सामान्य नाम से अपने अलग अलग परिवेश के अकॉर्डिंग अलग अलग क्षेत्र में उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डोरा, धागा या फाइबर या रेशा, जिस नाम से अकॉर्डिंग जहाँ परिवेश में उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड यूज करते रहते हैं। देखिए रेशे दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। एक तो प्राकृतिक रेशा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, कृत्रिम रेशा। कैसा, कृत्रिम मतलब संश्लेषित। प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं, तो आप ऐसे रेशे या ऐसे धागों का निर्माण जो प्रकृति द्वारा होते हैं, किससे होते हैं,
प्राकृतिक और प्राकृतिक परिघटना से इनका निर्माण किया जाता है, प्राकृतिक में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से इनको निर्मित किया जाता है, जबकि संश्लेषित होते हैं वो मानव निर्मित रेशे होते हैं जो इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, अलग अलग प्रयोगशाला में इसको निर्मित किया जाता है, जबकि प्रकृति में अपने आप जनरेट होते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरी प्राकृतिक रेशे किस किस से प्राप्त होते हैं, ये पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जबकि इसकी बात करेंगे तो ये क्या मानव निर्मित है, क्या है मानव निर्मित, मनुष्य इसको प्रयोगशाला में जनरेट किया जाता है, कहां बनाया जाता है, लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में, अलग स्थान पे इसको जनरेट किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन बेसिकली देखें तो रेशा एक कपड़ों के आधार को देखकर ही बताई जाती है। रेशों को सामान्य नाम से धागा, डोरा, फाइबर्स, अलग अलग वर्ड से अपन उसको जानते हैं। रेशे प्राकृतिक एवं कृत्रिम दो प्रकार के रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कृत्रिम या संश्लेषित रेशा होता है वो मानव निर्मित होता है। क्या होता है, मानव निर्मित रेशा बताया गया। अब आगे अपन देखते हैं कि प्राकृतिक में जैसे प्रकृति में आपने देखा तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से, रेशम, ऊन, सूती कपड़ा जैसे कहते हैं ना, तो कपास वपास कई प्रकार के पौधे होते हैं उनसे उनको प्राप्त किया जाता है। अब जो प्रकृति से या पेड़ पौधे से प्राप्त होता है उसको बोलेंगे वनस्पतिक रेशे, और जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं यांत्रिक रेशे। तो पहले अपन प्राकृतिक रेशों को स्टडी करेंगे और फिर बाद में अपन करेंगे कृत्रिम रेशों के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। वैसे देखिए तो कृत्रिम रेशे का मैटर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी आप आठवीं क्लास में जाओगे तब आपको देखने को मिलेंगे कृत्रिम रेशे किस प्रकार से जनरेट होते हैं और वो दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग में आते हैं। ज़्यादातर प्रायोरिटी पहले प्राकृतिक रेशों को दी जाती है, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट कृत्रिम रेशों को भी प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों, क्योंकि इतने सभी पब्लिक को आप प्रकृति में इतनी मात्रा में इतनी क्वांटिटी में सामग्री अवेलेबल नहीं होती, तब उसको उसके समतुल्य गुणधर्मों को निर्मित करके प्रकृति से प्राप्त कुछ ऐसे मटेरियल प्राप्त करके उसको लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से जैसे बनाए जाते हैं, तो उनको भी बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार प्रायोरिटी दी जाती है। तो देखिए प्राकृतिक रेशे की आगे अपन पहले प्राकृतिक रेशे को विस्तार से स्टडी कर रहे हैं, तो पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पूरे मैटर को मैप करके आगे मैटर को बढ़ा रहा देखिए। हो गया स्क्रीनशॉट आपके, देखिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे होते हैं जो प्राकृतिक घटकों द्वारा प्राप्त किए जाता है, किया जाता है, प्राकृतिक घटकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं प्राप्त रेशा। क्या कहलाएगा, प्राकृतिक रेशा। दिमाग बात रहेगी, प्राकृतिक रेशे की आपको सिंपल सी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे रेशे जो प्राकृतिक घटकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु या जंतुओं से प्राप्त रेशा प्राकृतिक रेशा कहलाता है। बेसिकली प्राकृतिक रेशा भी दो प्रकार का होता है, एक तो वनस्पतिक रेशा और एक होता है जांतविक रेशा, जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशा। जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा रेशम, ऊन ऐसे आ जाएंगे, और उसमें आप देखो कि जांतविक रेशा मूंज के जैसे देखते ना, मूंज का जैसे आपके सूतरी उतरी बनने बोरियां वोरी सिलाई के काम आती है ना, तो मूंज है, कपास है, कपास के रूप में रोई हुई प्राप्त करते हो, तो ये बहुत सारे उनको प्राकृतिक के दो भिन्न भिन्न घटकों द्वारा भिन्न भिन्न कैटेगरी के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पहले अपन स्टडी कर रहे हैं जांतविक रेशे, जांतविक रेशों में कौन कौन से किन से प्राप्त होते हैं उसके बारे में देखिए। ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं जांतविक रेशे, जैसे ऊन, ऊन किन किन से प्राप्त की जाती है, भेड़, बकरी, याक, ऊंट, खरगोश, इत्यादि से बहुत सारे ऐसे कई प्राणी होते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है, और रेशम रेशम कीट द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इनको देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के ऐसे रेशे होते हैं जो जीव जंतुओं से ऑब्जर्व होते हैं।
अब आगे देखते हैं अपन भेड़ पर, जो आप देखते भेड़ पर समय समय पर कई प्रकार के हर 2-3 महीने के बाद में भेड़ पे क्या होती है, पालों को हटा के उसकी कटिंग की कतराई की जाती है, सामान्य भाषा में कहते हैं भेड़ को कुतरना। तो भेड़ को कुतरते क्यों, क्योंकि बाल लोग हटाते हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में भेड़ पर ऊन बढ़ जाती, तो उसको हटा देते हैं और सर्दी ऋतु में भेड़ पे ऊन बने रखते हैं। क्यों, क्योंकि सर्दी ऋतु में उसको सर्दी से बचाव करने में सुरक्षा का कार्य करती है, कवच का काम करती, जबकि गर्मी ऋतु में उस ऊन को क्या करता है, वहाँ से हटा देते हैं। तो भेड़ से प्राप्त होने वाले रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक तो कड़क होते हैं और एक होते हैं मुलायम। जो मुलायम रेशे होते हैं वो ज़्यादातर आपके ऊन बनाने में काम आते हैं, और कड़क रेशे से आपके अलग अलग प्रकार के कई प्रकार जिनसे ऊन निर्माण में काम में करते हैं। तो देखिए प्रत्येक चीज को व्यवस्थित समझना, जो मैटर आपको बताया जा रहा है शॉर्ट एंड स्वीट में, व्यवस्थित जो चीज कर ले रहे उसको व्यवस्थित रूप से समझते रहना। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे होते हैं जो प्राकृतिक घटकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त रेशा प्राकृतिक रेशा कहलाता है। प्राकृतिक रेशा भी पुनः दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक तो वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त रेशा, और दूसरा यांत्रिक मतलब जीव जंतुओं से प्राप्त रेशा। वनस्पति से प्राप्त होता है आपके कपास मूंज, इनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। नारियल है, नारियल भी आता है ना, नारियल में देखते हैं नारियल का रेशा भी उसमें भी इसी में पार्टिसिपेट हो जाता है, नारियल का पौधा नारियल। तो ये तो होते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त, और ये होते हैं जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। तो जानते कैसे होते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे ऊन बकरी भेड़ या ऊंट खरगोश आदि कई प्रकार के जीव जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है, और रेशम कीट द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब आगे देखते हैं भेड़ पर अपनी स्टडी कर रहे हैं कि भेड़ पर उपस्थित बाल दो कैटेगरी होते हैं, जो एक तो होते हैं कठोर बाल होते हैं और एक होते हैं मुलायम। जो मुलायम बाल होते हैं वो आपके ऊन बनाने में काम आते हैं, जबकि कठोर बाल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के वस्त्र जैसे गिरसे आदि निर्माण में उसको प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस मैटर का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को आगे बढ़ा रहे अपन देखिए, और फिर बाद में कुछ भेड़ की अलग अलग कैटेगरी की भेड़ों को देखेंगे और उसमें किस प्रकार से रेशा प्राप्त होता है, उनकी क्या गुणवत्ता होती है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे आप देखते हैं कि भेड़ पर दो प्रकार के रेशे उपलब्ध होते हैं, एक तो डाढ़ी के रूखे बाल, एक तो होते हैं क्या रूखे एकदम सूखे बाल कठोर होते हैं, जो गिलसे निर्मित में काम में लिए जाते हैं, और दूसरे तवसा के जो निकट होते हैं पूरी बॉडी पर फैले होते बाल होते हैं वो क्या होते हैं तंतु रूपी और मुलायम बाल होते हैं, और उनका प्रयोग डायरेक्ट किया जाता है कहाँ पे, उन्हीं वस्त्र निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, वही भेड़ की क्या है ऊन है। वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा अच्छी भेड़ की नस्ल का चयन किया जाता है जिसमें तंतु रूपी बाल ज़्यादा उपस्थित हो। हमेशा भेड़ों में प्रजनन की प्रक्रिया करवाते हैं तो उस दौरान यही साइकोलॉजी दिमाग में रहती है कि अच्छी क्वालिटी की भेड़ का चयन करें ताकि उससे अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त हो, भेड़ से क्या हो अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त हो। जिसके लिए प्रजनन करना है तो उससे पहले उसका पूरा दो नस्लों को सेलेक्ट करके फिर बाद में अच्छी क्वालिटी की भेड़ को उत्पन्न किया जाता है। कैसी भेड़ के लिए चयन किया जाता है, जिसमें तंतु रूपी बाल अधिक मात्रा में उपस्थित हो। भेड़ों की नस्लें जैसे कुछ दे रखी है, ऊन की गुणवत्ता क्या है, और कौन कौन से प्रदेश में किस प्रकार की भेड़ें पाई जाती है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे रखी है। देखिए लोरी अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन उत्पन्न करने वाली भेड़ मानी जाती है। उसमें आप देखते हैं तो उनके अलग अलग गुणधर्म देखते हैं तो आपको पता लगता है कि लोरी राजस्थान पंजाब में पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल है, जो उससे प्राप्त होगी वो ऊन अच्छी गुणवत्तापूर्वक होती है और उसका प्रयोग ज़्यादातर ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। रामपुरा बक्सर ये पंजाब ये देखें तो ये ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की भेड़ की नस्ल पाई जाती है, और उससे प्राप्त होने वाली ऊन होती है वो कैसे होती है, भूरे रंग की होती है, भूरी ऊन होती है। नाली नस्ल की भेड़ से प्राप्त होने वाली ऊन से गिलसे बनाए जाते हैं, इसके बाल होंगे वो क्या होंगे कठोर होंगे हार्डनेस होते हैं, और ये राजस्थान पंजाब हरियाणा आदि क्षेत्र में देखने को मिलती है। भेड़ की ये नस्ल कहाँ कहाँ देखने को मिलती है,
पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इस क्षेत्र में इसकी कई कैटेगरी देखने को मिलती है। बकरवाल भेड़ की एक नस्ल है जो उससे प्राप्त होने वाली ऊन उसका डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है 19 साल निर्माण में। सॉल आप देखते हैं घर पे आप प्रयोग भी करते हैं तो 19 साल किस क्वालिटी की भेड़ से निर्मित किया जाता है बकरवाल से। ये ज़्यादातर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल है। कहाँ पाई जाएगी? जम्मू कश्मीर में। मारवाड़ी, मारवाड़ी भेड़ होती है उससे प्राप्त होने वाली ऊन कैसे होती है? मोटी तथा रुक्ष होती है, मतलब एकदम खुरदरी टाइप होती है। ज़्यादातर इस भेड़ की क्वालिटी या इस भेड़ की नस्ल ज़्यादातर पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। पाटनवाड़ी, ये भी गुजरात बेल्ट की भेड़ की नस्ल बताई जा रही है। इससे प्राप्त होने वाली भेड़ का ऊन का प्रयोग अपन औजरी के निर्माण में किया जाता है। कई प्रकार औजरीकरण के लिए इसका प्रयोग अपन करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं तो कई प्रकार की भेड़ों की अलग अलग गुणवत्ता होती है और उसका प्रयोग अपन ज़्यादातर भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है। आपको दिमाग में इतना रखना है भेड़ से क्या प्राप्त की जाती है? ऊन। ऊन बनाने के लिए दो ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त की जानी है? दो उदाहरण दीजिए तो भेड़, ऊंट, खरगोश। तो ऐसे आपके छोटे छोटे प्रश्न साथ ही क्लास लेवल के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि नस्ल वाला प्रश्न है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट इंडायरेक्ट आगे बढ़ोगे तब आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं अंगोरा ऊन। कौन सी अंगोरा ऊन क्या होती है उसके बारे में देखिए। अंगोरा ऊन ऊन होती है ना, अंगोरा ऊन बकरी के बाल से प्राप्त की जाती है। अंगोरी नाम की नस्ल की बकरी होती है जो जम्मू कश्मीर बेल्ट में पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, उससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग पंचमीना सॉल निर्माण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पंचमीना सॉल निर्माण में इसका प्रयोग डायरेक्ट अंगोरा ऊन का प्रयोग करते हैं। अंगोरा ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है, ये भेड़ से प्राप्त नहीं होती है ज्यादा, जबकि ये भेड़ से प्राप्त होने वाली ऊन है और ये भेड़ से प्राप्त नहीं होती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो कई एप्लीकेशन आप देखते हैं कि ऊनी वस्त्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आपने जंतु रेशों को थोड़ा बहुत पढ़ा, भेड़ के बारे में आज आपने स्टडी की। इसके आगे आएंगे अलग अलग जंतुओं के बारे में आप स्टडी करोगे, कई जंतु कई अलग अलग कैटेगरी होते हैं उनसे किस प्रकार से ऊन प्राप्त होती है, कहाँ प्रयोग होता है, तो उसको अपन अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार से स्टडी करेंगे। तो ये था आज का आपके वीडियो लेक्चर जिसमें आपने देखा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसिकली रेशे कैसे होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, रेशे वस्त्र का क्या बताया गया है, प्रारंभिक इकाई के रूप में बताया गया है, काफ़ी चीज़ों को आपने डिस्कस किया। अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे और ऊनी वस्त्र से अतिरिक्त रेशम कीट किस प्रकार से, रेशम किससे निर्मित की जाती है, तो ऐसे कई सारे पॉइंट उसको आप स्टडी करोगे। तो अगले वीडियो को आए उसके लिए आप उस वेटिंग करते रहे, जितना मैटर आपको दिया है उसको आप व्यवस्थित रूप से पढ़ें। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले वीडियो या नोटिफिकेशन डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिलता रहेगा ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना काम करते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।